डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन सीएनएफ एंड जीएनएफ रिप्रेजेंटेशन, और इस वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इंटरव्यूज कहीं पे भी आपको पूछ लें, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। इवन आपको टास्क ही दे रहा हूं कि कम से कम एक सब्सक्राइबर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आज ही के दिन आपको कम से कम एक सब्सक्राइबर लेके आना है, और अगर कर लोगे तो डन जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएनएफ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जीएनएफ ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो दो सबसे मेजर नॉर्मल फॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चॉम्स्की एंड ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म। अब देखो, चॉम्स्की में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है। तो यहां पे कह रहा है ए गोज टू बी सी, ए बी सी क्या है यहां पे वेरिएबल्स है, ए फॉलोड बाय स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या है टर्मिनल है, या तो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्मिनल, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल और राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल आएंगे, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल और राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल आएगा। ये पॉइंट जो है वो याद रखना। ग्रेबिक के केस में ए गोज टू स्मॉल ए एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल आएगा, ये तो कंफर्म है, राइट हैंड साइड में टर्मिनल फॉलोड बाय एक्स। अब ये x क्या है, a तो क्या है टर्मिनल है, लेकिन x क्या है, x बिलोंग्स टू v स्टार, v स्टार मतलब कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी रिटन। अब एनी का मतलब है आप स्टार है ना, तो जीरो भी भर सकते हो, मतलब अकेला a भी आ सकता है, जैसे इस तरीके से a गोज टू स्मॉल a, या फिर आप इसमें मल्टीपल नंबर भी भर सकते हो। लेट्स से मैं इस तरीके से लिख दूं, s गोज टू स्मॉल a फॉलोड बाय a b c d e f, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्मॉल a मतलब टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर, एनी नंबर में 0 1 2 3 4 एनी नंबर आप लिख सकते हो वेरिएबल्स का, या फिर आपके पास सिंगल, अगर आप स्टार है, अगर आप जीरो पुट कर दोगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, सिर्फ a ही बचेगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और अगर यहां पे बात करें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे s फॉलोड बाय लेट्स से ए बी, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल, राइट में दो वेरिएबल, और लेट से ए गोज टू आप लिख सकते हो बी बी और स्मॉल ए, तो देखो दो बी मतलब वेरिएबल और एक आपका टर्मिनल, दोनों में से कुछ भी आपका आ सकता है और है बीच में, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बी के लिए लेट से यहां पर लिख देते हैं ए बी फॉलोड बाय बी, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन इसकी लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू जनरेट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n इज 2n-1, कितने स्टेप्स लगते हैं 2n-1, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बताता हूं, लेट्स से हम एक ले लेते हैं a गोज टू a b, a गोज टू a एंड b गोज टू b, ठीक है, तो देखो ये आपका चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग है, दो वेरिएबल या फिर एक एक टर्मिनल। अब लेट से मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है ए बी, लेट से मुझे स्ट्रिंग बनानी है ए बी, तो देखो कैसे बनाओगे, सबसे पहले ए से क्या बनेगा ए बी, फिर उसके बाद क्या होगा, इस ए में आपने क्या पुट कर दिया स्मॉल ए, फिर इस बी में क्या पुट कर दिया स्मॉल बी, तो नंबर ऑफ स्टेप देखो 1 2 3, कितने स्टेप्स हैं 3। अब देखो n, n क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने क्या ली, लेंथ क्या बनेगी ab की, लेंथ क्या है 2, तो 2 into 2 minus 1 मतलब 4 minus 1 which is 3, देखो number of step 1 2 and 3। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे a goes to ab, b goes to small b। अब इस केस में देखो ये आपका क्या है ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग है, a फॉलोड बाय एनी नंबर, तो एक नंबर है या फिर आपको कुछ भी नहीं हो, तो ये देखो a goes to a b एंड इस b की जगह मैंने, वेरिएबल की जगह मैंने क्या पुट कर दिया टर्मिनल पुट कर दिया b, तो देखो ये आपके पास क्या बन गई स्ट्रिंग ए बी बन गई। तो देखो यहां पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए, नंबर ऑफ स्टेप्स यहां पे लेंथ क्या थी 2, नंबर ऑफ स्टेप्स भी कितने हैं 2, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 into n minus 1, यहां पे n के बराबर ही आपके number of steps आएंगे, तो कम है number of steps यहां पे कम है। Then अगर हम बात करें, it is used in the membership algorithm, membership algorithm कौन सा है, CYK algorithm है, तो CYK algorithm में हम कौन सी normal form को use करते हैं, Chomsky की normal form को use करते हैं, और इसका use कहां पे, अगर मुझे CFG को PDA में मतलब context free grammar को push down automata में convert करना है, then we use the Grabeck normal form।
Then derivation or parse tree obtained from CNF is always binary tree. It is always, ये point याद रखना, always. Reason, देखो, रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही है ना, ए गोज टू बी सी या फिर ए गोज टू ए, मतलब अगर आप बनाओगे भी तो इस तरीके से बनाओगे ना, ए गोज टू बी सी, या लेट से इस बी की जगह आपने स्मॉल बी कर दिया, इस सी की जगह भी लेट से अगर आप पढ़ोगे, तो कुछ भी आप बाइनरी ट्री क्या होता है, एटमोस्ट टू चिल्ड्रन. बाइनरी ट्री क्या होता है, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो चिल्ड्रन, वन भी हो सकते हैं जीरो भी. तो वही कैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री बनाओगे या तो दो बनेंगे या एक बनेगा, तो यानी आपका मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, बाइनरी ट्री ही बनेगा आपका डेरिवेशन या फिर पार्स ट्री. यहाँ पे नॉट ऑलवेज, क्यों, वी स्टार है, वी स्टार का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फोर. तो यहाँ पे नॉट ऑलवेज बन सकता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज केस, ये ऑलवेज वाला केस है. देन लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, देखो लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन आपकी इजी होगी. आप इनको स्टोर करोगे, प्रोडक्शंस को अगर स्टोर करते हो मेमोरी में, तो आपको पता है कि फिक्स्ड साइज का ही आपको डेटा टाइप लगेगा. लेकिन इस केस में अगर हम बात करें नॉट रिस्ट्रिक्टेड, रीजन वही वी स्टार वाला केस है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी मोर. तो यानी ये आप कंपैरेटिवली कह सकते हो, रिप्रेजेंटेशन इस केस में इजी है और इस केस में कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है. वैसे कोई दिक्कत नहीं अगर हम इन दोनों को जस्ट कंपेयर करें, तो मेजर डिफरेंस गाइस इससे ज्यादा कहीं पे भी नहीं आपको मिलेंगे. दीज differences are more than sufficient. Thank you.